हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं आज अपने यूट्यूब चैनल पे। हम लोग आज देखेंगे DLED सेकेंड ईयर की पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि यूनिट फर्स्ट में हमारा है टीचिंग इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज। आज हम लोग देखेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज का जो प्रिंसिपल है, इंडिया में जो इंग्लिश है वो सेकेंड लैंग्वेज के रूप में पढ़ाई होती है, और इसकी क्या क्या सिद्धांत है वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। पूरी कॉन्सेप्ट की चर्चा की जाएगी, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इससे पहले कि मैंने लैंग्वेज पे डिस्कस किया था, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके पहले लैंग्वेज का वीडियो देख लें। मैंने उसमें बताया है कि लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज टर्म किस तरीके से डिराइव हुआ है और लैंग्वेज के क्या क्या प्रिंसिपल है। आज हम लोग देखेंगे कि सेकेंड लैंग्वेज की क्या क्या प्रिंसिपल है। DLED सेकेंड ईयर की काफ़ी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनती हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये आई हुई है, तो चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए, हमारे पास क्या है, टीचिंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज यूनिट फर्स्ट है, जिसमें एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज के रूप में पढ़ाने के साथ साथ इसके क्या क्या सिद्धांत है, ये हम लोग वन बाय वन समझेंगे। पहले हम लोग ये जानते हैं कि इंडिया में इंग्लिश जो है वो सेकेंड लैंग्वेज के रूप में पढ़ाई होती है, ठीक है। इन इंडिया इंग्लिश इज टॉट एज अ सेकेंड लैंग्वेज, राइट। ये इसलिए होती है क्योंकि इंग्लिश जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में पूरे वाइडली डाइवर्स लैंग्वेज है, राइट। और सबसे पहले ये हमें ग्लोबलाइजेशन में मदद करता है। ग्लोबलाइजेशन मीन्स कनेक्ट वन कंट्री टू अनदर कंट्री, ये हमें एक कंट्री से दूसरे कंट्री की ओर जोड़ता है। इंडिया में जो सेकेंड लैंग्वेज के रूप में पढ़ाई होती है इंग्लिश, जिससे हमें ये बेनिफिट मिलता है कि अगर मैं कहीं दूसरे जगह चले जाऊँ, कोई फॉरेन कंट्री चले जाऊँ, तो मुझे उस फॉरेन कंट्री से जोड़ता है, क्योंकि हम अगर इंग्लिश लैंग्वेज नहीं जानेंगे तो हम किसी दूसरे कंट्री के लोग से बात नहीं कर पाएंगे। तो इसके कुछ सिद्धांत है सेकेंड लैंग्वेज के रूप में, तो हम लोग वन बाई वन समझते हैं कि इसकी क्या क्या प्रिंसिपल है। सबसे पहले मैं ये बताऊं कि आप लोग को जो क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग पॉइंट में डील करोगे, ऐसे आपको एग्जामिनर को लगेगा कि आप अच्छे आंसर लिखे हो और आपको फुल ऑन फुल मार्क्स देंगे। अगर कोई क्वेश्चन 10 मार्क्स का है तो आप 10 पॉइंट में डील करोगे, 5 मार्क्स का है तो 5 पॉइंट में डील करोगे, राइट। और हाँ, अगर आप लोग को कोई कन्फ्यूज़न है कि S1, S2, S3, S4 जो भी हो उसमें क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, डैट मीन्स कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क्स के कितने आते हैं, जो भी हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उन पर वीडियो बना दूंगा। तो चलिए हम लोग अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो है इंग्लिश लैंग्वेज जब सीखते हैं या फिर कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग अपने आदत डालकर सीखते हैं। लैंग्वेज का मतलब ये नहीं कि आप उसको याद कर लो या फिर आप उसको कोई प्रोसेस के थ्रू यूज़ करो, इसमें आप हैबिट डलवा के याद कर सकते हो। जैसे कि आप अगर बच्चे को कहते हैं मे आई कम इन सर, बच्चे लोग स्कूल में कहते हैं मे आई कम इन सर, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, तो क्या किया आपने, उससे आदत डलवा दिया आपने, क्या किया आपने उसे आदत डलवा दिया, दैट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। और प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन जो हमारा प्रिंसिपल है, इसके अगर मैं बात करूं तो आप लाइब्रेरी जाके इसकी हैबिट लगा सकते हो, लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ के हैबिट लगा सकते हो, डिक्शनरी का यूज़ करके इसकी आदत लगा सकते हो, आप अपने दोस्तों से प्रॉपर इंग्लिश में बात करके इसकी आदत लगा सकते हो, ठीक है। तो ये हुई हमारी प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। नेक्स्ट मैं बात करूँ प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। देखो, सबसे पहले मैं ये बताऊँ कि किसी भी लैंग्वेज को जब हम लोग सीखते हैं तो जो हमारी मातृभाषा होती है उसे हमें सीखने में काफ़ी आसानी होती है, जो हमारी मदर टंग होती है उसे सीखने में आसानी होती है। तो इंग्लिश जो है वो तो हमारी मदर टंग है नहीं, स्कूल में जो पढ़ाई होती है वो 6th पीरियड जो है वो हिंदी में होती है, हम लोग इंग्लिश में बात नहीं करते हैं। तो इट्स बेटर कि जब बच्चे प्लेग्राउंड में जाएं, जब बच्चे कहीं डिस्कशन में शामिल हो तो हम लोग इंग्लिश में उसे आदत डलवाएं, हम लोग उसे बोले कि आप लोग इंग्लिश में बात करो और अपने डे टू डे लाइफ में इसको शामिल करो, राइट। द मदर टंग इज़ ऑलवेज लर्न वेरी इजली,
एंड इट गिव्स द नेचुरल एनवायरनमेंट राइट, बट इट इज़ नॉट ट्रू विद द फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज के साथ ये सही नहीं बैठता है। तो इट्स बेटर कि जब स्टूडेंट इज गोइंग फॉर अ क्लासरूम और इज गोइंग फॉर द प्लेग्राउंड और एनी वेयर एल्स, वी अर्ज देम टू यूज इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, ये हमारी हुई प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इज अ फॉरेन लैंग्वेज। प्रिंसिपल ऑफ फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, प्रिंसिपल फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट कहने का मतलब ये है कि जब हम बच्चे को कहते हैं क्लास में स्टैंड अप, तो बच्चे को कहो कि खड़े हो जाओ, तो ये जो मैं बच्चे को बोला स्टैंड अप, तो बच्चों को लगा अच्छा स्टैंड अप का मतलब होता है खड़े होना, सिट डाउन मतलब कि बैठ जाओ, एक्शन करके दिखाते हैं, डैट मीन्स कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट का मतलब होता है मूर्त, मूर्त मतलब जानते होंगे जो हमें दिखता है। अगर मैं बच्चों को बोलूँ खड़े जाओ तो दिख रहा है कि चलो बच्चे लोग खड़े हो रहे हैं, और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अमूर्त। मैं हिंदी में लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, तो मूर्त से अमूर्त की ओर बच्चे को हम लोग सिखाते हैं ताकि बच्चे बेहतर तरीके से लैंग्वेज को सीख सके। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है एज ए सेकेंड लैंग्वेज के रूप में। नेक्स्ट, यदि मैं बात करूँ प्रिपेयर ऑल द लेसन इंटरेस्टिंगली एंड अट्रैक्टिवली, जो भी हम लेसन बनाते हैं, जो हम लोग क्लास में जाते हैं, तो पढ़ने से पहले, पढ़ाने से पहले हम लोग लर्निंग प्लान तैयार करते हैं, राइट। लर्निंग प्लान कहने का मतलब ये है कि जब टीचर लोग क्लास में आते होंगे तो ये प्लान करते होंगे कि आज हमें क्या पढ़ाना है, तो ये जो हम जो लर्निंग प्लान बनाते हैं तो वैसे इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, वैसे अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि बच्चे उसमें इंटरेस्ट ले, बिकॉज जब हम किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेंगे तभी हम किसी चीज़ को सीख सकते हैं बेहतर तरीके से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हो जाता है इंग्लिश लैंग्वेज को टीच करने में, सेकेंड लैंग्वेज को टीच करने में। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर एंड प्रोपोर्शन, प्रॉपर ऑर्डर एंड प्रोपोर्शन कहने का मतलब क्या है कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो एक प्रॉपर ऑर्डर के थ्रू किसी भी लैंग्वेज को सीखता है, डैट मीन्स LSRW। मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर एंड प्रोपोर्शन डैट मीन्स LSRW। ये फोर स्किल है लैंग्वेज की, L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग एंड W फॉर राइटिंग। आई होप आप लोग को अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। LSRW, सबसे पहले कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो वो सबसे पहले सुनता है, फिर उसको बोलने की कोशिश करता है, डैट मीन्स स्पीकिंग, और फिर उसको लिखता है, और सॉरी तब उससे पढ़ता है, और फिर उसे पढ़ता है, और फिर उसे लिखता है। डैट मीन्स ये जो सिक्वेंस है LSRW का, दिस मस्ट बी फॉलोड टू टीचिंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। इट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल फॉर द टीचिंग लैंग्वेज एज अ सेकेंड लैंग्वेज। वी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट, डैट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरी, दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एक्टिव वोकैबुलरी और पैसिव वोकैबुलरी कहने का मतलब क्या होता है, वोकैब जो है वो दो टाइप के हम लोग बांट सकते हैं, एक्टिव वोकैबुलरी और एक पैसिव वोकैबुलरी। एक्टिव वोकैबुलरी वो होता है जिसे मैं देखूं बड़े आसानी से मुझे इसकी मतलब समझ में आए, जैसे हम लोग कहीं देखते हैं दिस लिखा हुआ, अरे तो इसका मतलब यह होता है, डैट लिखा हुआ इसका मतलब यह होता है, ये एक्टिव वोकैबुलरी जिसको हम लोग ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ती है मुझे समझने में, उसकी मीनिंग को समझने में। और पैसिव वो होता है जिससे थोड़े में डिक्शनरी की यूज़ करने पड़े, वो होता है पैसिव वोकैबुलरी। जैसे अर्ज हम लोग लिखते हैं, तो बहुत लोग को ये नहीं पता होता अर्ज का मतलब क्या होता है। इंस्टेंस हम लोग लिखते हैं, जो भी लिखते हैं, तो जिसकी हमें डिक्शनरी की यूज़ करना पड़े वो हमें पैसिव वोकैबुलरी। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में ये कहूँ द वर्ड विच फ्रीक्वेंसली यूज डैट इज एक्टिव वोकैबुलरी एंड दिस इज नॉट फ्रीक्वेंटली यूज या रेयरली यूज इज कॉल्ड पैसिव वोकैबुलरी। नेक्स्ट मैं बात करूँ प्रिंसिपल ऑफ कनेक्ट विथ लाइफ, यस कनेक्ट विथ लाइफ कहने का मतलब आप किसी बच्चे को, किसी को जब सेकेंड लैंग्वेज सिखा रहे हो, फॉरेन लैंग्वेज सिखा रहे हो, तो उसको जब रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ोगे तो वो बेहतर तरीके से सीख सकता है, डैट मीन्स कनेक्ट विद द लाइफ। तो फ्रेंड्स बताइए वीडियो कैसा लगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा।